संविधान का सबसे ज्यादा माखोल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है और आज भी उड़ा रहे हैं। देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विपरीत जाकर के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धारा 370 को देश के संविधान में जबरन डालने का काम किया था। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। संविधान का सबसे ज्यादा माखोल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है, आज भी उड़ा रहे हैं। देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विपरीत जाकर के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धारा 370 को देश के संविधान में जबरन डालने का काम किया था। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। यूपीए गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यूपीए सरकार के समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने की कुत्सित मंशा के साथ लाई गई थी। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है वहां पे। तो संविधान का सर्वाधिक मखोल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। अरे लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2014-2012 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया था कि वह मुसलमानों को भी आरक्षण देगी। पीएससी में, उत्तर प्रदेश की पीएससी में 15% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था, घोषणा भी समाजवादी पार्टी ने की थी। समाजवादी पार्टी का जगजाहिर जो चरित्र है, जगजाहिर है। आरजेडी में लालू जी पहले बोल चुके हैं कि बिहार के अंदर सभी मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ देंगे। टीएमसी के एक फैसले को अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी तरह पलट करके सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि भारत के अंदर पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, माताएं बहनें मार्केट और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुरका पहन करके घर में दबा रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है, मोदी जी के नेतृत्व में किया भी गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की पहली संसद में यह अधिनियम पारित हुआ जो महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण की सुविधा देता है। और बीजेपी की एक घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, ये देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी और भारत की जनता बहुत जागरूक है। वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगा और जनता की ओर से आवाज़ आ रही है अब तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो स्वाभाविक रूप से परम राम भक्त मोदी जी हैं, परम राष्ट्र भक्त मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में NDA और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उधर हम लोग जा चुके हैं।